नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 5 दिनों में 2 बार पीएम मोदी बिहार दौरे पर आएंगे। पहली बार कल यानी कि 2 मार्च को पीएम मोदी सबसे पहले बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में आएंगे। वहीं दूसरी बार आपको बता दें कि 6 मार्च को फिर से पीएम मोदी बिहार आएंगे और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसे लेकर के एक और जहां पूरी तैयारी है, भाजपा इसे लेकर खासकर तैयारी में जुटा है, एनडीए सरकार इसकी तैयारी में जुटा है, तो दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी बिहार आते ही 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं। ऐसे में इन सौगात से अब बिहार में रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को काफी फायदा होने वाला है। बता दें कि आधिकारिक जानकारी के अनुसार औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 11 परियोजनाओं को सौगात देने वाले हैं। इसकी लागत 18,188 करोड़ है। इसी तरह रेलवे की 4 परियोजनाओं की गत 826 करोड़ है। जल शक्ति मंत्रालय की 12 योजनाओं की लागत 2188 करोड़ है। इस तरह औरंगाबाद में पीएम कुल 21,203 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं आपको बेगूसराय का भी लागत और योजनाओं के बारे में बता दें, बेगूसराय में प्रधानमंत्री रेलवे की 3,917 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की 1,56,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देंगे। वहीं पीएम बिहार को बेगूसराय में कुल 1,60,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। बिहार के बेगूसराय में लॉन्च होने वाली राष्ट्रव्यापी योजना में से 29,000 करोड़ की परियोजना बिहार के लिए है। बिहार से लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट तेल और गैस, फर्टिलाइजर और रेलवे के सहित कई क्षेत्रों में संबंधित हैं। इन परियोजनाओं में से 39 प्रोजेक्ट तेल गैस क्षेत्र से जुड़े रहने वाले हैं। बता दें कि 10 परियोजना रेलवे के हैं। पीएम 6 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नए सिरे से स्थापित बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। ये प्लांट न केवल यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार के अवसर को भी पैदा करेगा। इस प्लांट की क्षमता 12.5 MTPA यूरिया प्रोडक्ट्स करने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।